इतना सारा सामान मेरे बैग के अंदर और मेरे पीछे डिक्की के अंदर था, देख कर लगता नहीं कि मैं इतना सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो ये टेबल, उसके बाद देखिए ये सारे जितने भी कंटेनर, मसाले, गैस सिलेंडर, बाटी बाटी जो भी है, यहाँ पर काटने का सामान वामान से सारा चीज़ लेकर। तो आज मैं बनाने वाला हूँ पनीर मसाला। तो पनीर मसाला जो है वो चावल के साथ आज खाएंगे। दोपहर का लंच नहीं किया है, सुबह से मैं भूखा हूँ, तो फटाफट जो है सारा सामान रेडी करते हैं। और सबसे पहले ये पैकेट पनीर है जो पूरी तरीके से फ्रोज़न है, तो इसको फ़िलहाल अभी गर्म कर लेते हैं, नहीं तो इसे अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आते आते ही इसे करीबन आधा घंटा लग जाएगा। तो चलिए फटाफट कुक करते हैं और आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस। अपने बैठने का जगह तो बना लूँ, क्योंकि ये सारा बैठने का जगह जो है मैंने सारा फिलअप कर दिया था इन सब चीज़ों से। इतनी देर बाद जाकर बैठा, और ये बाइक है ना, तो बाइक पीछे से जो शेडो आ रही है तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी करना ये है, फटाफट गैस को इग्निट करना है, और सबसे पहले पनीर जो है ना उसे अच्छी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए मुझे भी थोड़ा गर्म पानी करना पड़ेगा। गैस इग्निट हो चुका है, और फटाफट इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, हल्का सा जो है वो गर्म पानी करते हैं, कचरा को साइड रखते हैं, कचरे को कहीं फेंकते नहीं हैं। क्योंकि जब भी आप कैंप कर रहे हैं, कहीं खाना बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप उस परिवेश को, उस जगह को गंदा ना करें, क्योंकि आप जानते हैं ना कि प्रकृति के साथ जब हम कुछ खेल खेलते हैं, गंदा खेल, तो प्रकृति डबल हमसे वो बदला ले ही लेती है। तो इसीलिए कचरा वगैरह जो भी है वो अच्छी तरीके से जहाँ पर डस्टबिन वगैरह है वहीं पर आप इसे फेंकिएगा। तो ये जो है थोड़ा गर्म हो चुका है, अब इसे थोड़ा हम साइड में रख देते हैं, ज़्यादा भी गर्म नहीं करना इसे। कटिंग वाले फेज़ में आ गया है, तो इसे कट कर लेते हैं इसे पीसेस में। थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा नमक, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, पनीर बटर मसाला, सरसों का तेल। तो दोस्तों अब करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। मसाला जो है वो रेडी हो गया, सारा मसाला अच्छे से कोट हो गया। फटाफट इसके ऊपर दोस्तों आपने देखा भी क्या हुआ, पूरी तरीके से बूटेन सिलेंडर में आग पकड़ लिया। हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो ऐसे गैस जब यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से इसे जलाएं। बहुत ही सावधानी के साथ जब खाना बनाते हैं, तो अगर ये इंडोर होता तो समझिए कि अगर मैं फेंका कपड़े में, अगर आग लग जाती तो क्या होता। तो इसीलिए ये इतना हैंडी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे जैसे जैसे यूज़ करें, बहुत ही संभाल के इसे यूज़ कीजिएगा। ये थोड़ा गर्म हो चुका है लग रहा है, और तो चलिए अब हम पनीर जो है इसके ऊपर डालते हैं। रेड रेड देखने में जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये कलर देखिए, कलर से ही समझ में आ रहा है ये फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके साइड में निकाल लेते हैं। कट चुके ये प्याज, अब फटाफट इसमें डाल देते हैं। कुकिंग जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर में कुक कर रहे हैं और जैसे तैसे बना देते हैं, ऐसा नहीं। जो भी काम करो, जहाँ भी करो, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों प्याज जो है वो अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो चुका है, और अब डालेंगे इसमें ये चीज़। तो ये डाल दिया हमने इसमें,
टमाटर का प्यूरी। अब इसे तब तक पकाते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ दे। दोस्तों इसे कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बस वीडियो बनाने के चक्कर में चीज़ें ही डालना भूल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, क्योंकि नमक जब तक आप नहीं डालेंगे सही तरीके से, वो क्या है वो ना, टमाटर का जो प्यूरी है ना वो ठीक तरीके से बॉयल नहीं होगा। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च तो सिर्फ कलर के लिए होता है, जीरा पाउडर भी हो गया, और इसमें थोड़ा सा पनीर का जो मसाला है वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे मसाले को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। कलर देखिए, कलर क्या ज़बरदस्त कलर जो है वो निखर के आया है। तैयार नहीं हुआ है अभी भी, इसमें टाइम लगेगा जब तक ये टमाटर का प्यूरी जो है इससे ऑयल अलग ना हो जाए। ऐसे परिवेश में मुझे नहीं लगता है मुझे किसी का साथ भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है आप लोग हैं और कैमरा है सामने, बातें करते करते समय कट जाता है और ऐसी चीज़ें बन जाती है। ये तो मुझे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार है, मेरा कैमरा जिससे आप सभी से मुखातिर होता हूँ, और खाने पीने का सामान, इसे मेरा समय कट जाता है, तो बस यही है। तो दोस्तों जब तक बन रहा है मेरा पनीर मसाला, इसे बनने दीजिए, खुशबू बहुत ही सही आ रही है। तब तक मैं आपको आसपास का नज़ारा जो है जो हमेशा दिखाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा है एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर धान वान की खेती होती है, और सामने जो है आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा तालाब है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और शाम जो है वो ढलने को है, सूरज जो है बहुत नीचे ऑलमोस्ट आ चुका है, और फटाफट मुझे खाना बना के खाना पड़ेगा, नहीं तो रात अगर हो गया तो शूट भी नहीं होगा। और ये जो है ना, ये बचा के रखते हैं, इसे ड्राई खाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, आप चाहे तो कहीं पर भी बना सकते हैं इसे। तो गैस जो है अब बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये है आज का मेरा लंच, 4:30 माने 4:45 बज चुके हैं, शाम होने को है, और अभी मैं लंच खा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसमें नमक स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देते हैं इसमें। वाह, मजाक में जल्दीबाजी में ऐसी ऐसी खतरनाक चीज़ बनी है ना। इसे कहते हैं पोस्तो बड़ा, बंगाली में ये बहुत फेमस है, जो खसखस होता है ना दिल्ली में, खसखस कहते हैं इसे, तो इसी का ये पकौड़ा है। इसे भी खा के देखते हैं कैसा लगता है खाने में। तो दोस्तों फिनिश हो चुका है खाना मेरा, जमावड़ा बन चुका है, तो धीरे धीरे जो वेस्टेज है उसे अच्छी तरह से पैकेट में पैक करेंगे और डंप करेंगे कहीं अच्छी जगह पर। तो दोस्तों खत्म हो चुका है आज का सभा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी को आज का, इसके बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा, और मैं कैसा कर रहा हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस में, और मेरे ट्रिप के रिलेटेड, और ये जो मैं हरकतें करता रहता हूँ बाहर के, खाना पीना जंगल में कैंप वगैरह, इसके बारे में भी आपका क्या ख्याल है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है
तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा, और मेरे फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम जो है उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिप के रिलेटेड जितनी भी सारी फ़ोटोज़ जो है और नई अपडेट्स जो है वो मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। गुड बाय।